इतने कारी मोहम्मद अकरम रब्बानी साहब हफिज़हुल्लाह ताला जो आपके सामने नमाज की अहमियत, हुकूक़ वालदैन और जिहाद की अहमियत के हवाले से महवे गुफ्तगू थे, अल्लाह ताला इनके इल्म व अमल में बरकत फरमाए। अब मैं बिला ताखीर मुख्तसर वक़्त के लिए अपने मेहमान खुसूसी के खिताब से कबल दावत सुखद देता हूँ फाजले नौजवान वाइद खुशुलहान शीरी बयान। मेरी मुराद मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद इरफान गिल साहब हफिज़हुल्लाह ताला के उस स्टेज पर तशरीफ़ लाएँ और कुरान हदीस की रोशनी से आपके क़ल्ब व ज़हन को मुनव्वर फरमाएँ। मोहतरम जनाब कारी मोहम्मद इरफान गिल साहब हफिज़हुल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। थोड़े थोड़े अगे हो जाओ यार, खतीब दे करीब होके बहना रब की रहमत दे करीब बंदा हुंदा है। तो माशाल्लाह मस्जिद अंदर आए हो तो रब की रहमत दे जरा नेड़े होवो। ऐ खाली जगह अगे हो जाओ यार, इत्थे इत्थे आ जाओ आ जाओ अगे। अलहम्दुलिल्लाह मुनाज़िर इस्लाम मुहक्कक आलम दीन हज़रत मौलाना मुहम्मद नवाज सीमा साहब हाफिज़हुल्लाह तशरीफ लाए ने अलहम्दुलिल्लाह। तो उन्हां दी आमद तक मैं चंद गल्लां तुहाडे नाल करांगा इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लज़ी लम यताख़िर वलदा वलम यकुल लहू शरीकुन फिल मुल्क وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذُّلِّ وَكَبِّرُوا تَكْبِيرًا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلى الله عليه وبارك وسلم وصل عليه أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم سنا جس کسی نے کلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم सुना जिस किसी ने कलामे मोहम्मद हुआ जानो दिल से गुलामे मोहम्मद हुआ है न होगा मुयसर किसी को बुलंद जिस कदर है मुकामे मोहम्मद अगर चाहते हो खुदा हम से खुश हो दिलों जा से कर एहतरामे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वाजिबुल एहतराम सामईनो मोहतरम अल्लाह अहकमुल हाकिमीन दी मुख्तसर हमदो सना दे बाद अनखिम तला तादाद दरुदो सलाम आकाए दो जहां इमामुल अंबिया खतीबुल अंबिया हबीब खुदा महबूब किबरिया हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सलातो वसलाम दी ज़ाते अकदस दे उते होन
साहबो और अजीज साथियो, अज दा ए तबलीगी व इस्लाही प्रोग्राम जो के मेरे भाई मुहम्मद जिशान नू अल्लाह ने बेटे दी नेमत नाल नवाजे है, उस खुशी अंदर ए अज दा प्रोग्राम है। दुआ फरमाओ अल्लाह साढ़े उस बेटे नू सेहत और ईमान वाली लंबी जिंदगी अता फरमाए। हजरात, जो बात मैं तुहाडे सामने अर्ज करना चाहना वो है दुआए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दुआए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दुआ होवे जो इमाम अपने मुक्तदियां वास्ते करदा है, एक दुआ होवे जो वालदैन अपनी औलाद वास्ते करदे ने, एक दुआ होवे जो उस्ताद अपने शागिर्द वास्ते करदा है, एक दुआ होवे जो आमिना दे लाल अपने असहाब वास्ते करदे ने। कितने अजीम और खुश नसीब वो लोग ने, सानू अज परेशानी आए ना, कोई दुख आए, मुसीबत आए, असी अपने इमाम साहब नू आने आ, कारी साहब, हजरत साहब, फलां परेशानी है, फलां दुख पहुंचे है, दुआ करे आ जे। उन्हां लोगां दी अजमत और मुकाम दे क्या कहने के जिन्ना ने अपनी मुश्किल वेले, अपनी परेशानी दे वेले दुआवां करवाइया ने, ते आमिना दे लाल मुहम्मद कोलो करवाइया ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कितने अजीम ओ लोग ने, कितने मुकाम वाले ओ लोग ने के जिन्ना लई मेरे पैगंबर ने अपने नबुव्वत वाले हत्था नू उठा के उन्हां वास्ते रब कोलो दुआवां कीतियां ने। आम ते असी आने आना मां दी दुआ ते जन्नत दी हवा, इत्थे इंज समझो कि आका दी दुआ ते उम्मत लई ते सहाबियां लई जन्नत दी हवा। उन्होंने अपनी जिंदगी अंदर आका नू मौजूद पाया, आका कोलो दुआवां करवा लईयां। साढ़े अंदर मेरे महबूब की जाते मुबारक मौजूद नहीं, मैं ते तू आका दी दुआ दे किस तरह मुस्तहिक बन सकने हैं। आइए इख्तसार ना अर्ज करा। अल्लाह जुल जलाल फरमांदे ने, ए मेरे महबूब पैगंबर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सोने ऐलान फरमा दियो, फरमाया वसल्ले अलैहिम इन्ना सलाता का सकानुल्लाहुम वल्लाहु समीउन अलीम। फरमाया सोनिया इना ले दुआ तुसी करो, जदों इना अपने यारा ले दुआ करोगे रब इना दिया परेशानियां नू दूर कर देवेगा, जदों इना ले दुआ करोगे अल्लाह इना दिया मुश्किलां नू आसान कर देवेगा, जदों इना ले दुआ करोगे अल्लाह इना दे करा अंदर सुकून पैदा कर देंगे। और मेरा ईमान है जिदे लई आमिना दे लाल हाथ चुक लैन अल्लाह ओदे ते अपनिया रहमतां दा नसूल फरमा देंदे ने। आइए लोगो जरा गौर फरमाना, मेरे पाक पैगंबर अली सलातो व सलाम दा सहाबी सैयदना अबू बकर सिद्दीक साबिक और रज़ी अल्लाह तआला अनु, सही बुखारी और मुस्लिम दी रवायत है, मेरे नबी दे दो यार जनाबे अबू बकर उमर रज़ी अल्लाह तआला अनुहुमा इन्हां नबी दे प्यारा अंदर माड़ा जा तनाजा हो जांदा, झगड़ा हो जांदा किसे गल दी वजह तो, जनाबे अबू बकर दे कोलों से आदियां उमर नाल हो गईयां। जनाबे अबू बकर ने समझिया मैं उमर नाल से आती कर बैठा वा, आंदे ने उमर मैनू रब दी रज़ा लई मुआफ कर दे। उमर नू भी गुस्सा आए, आंदे ने सिद्दीक मैं तुहानू मुआफ नहीं करना, मेरे नबी दा यार सिद्दीक इत्थों उठे ना ते सीधे मस्जिद नबवी अंदर टुर जांदे ने। आमिना दे लाल अपने साथियां अंदर बैठे ने, एवें लगदा है जिवें सितारियां दे चुड़मट विच चन निकल आया है।
ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਏ ਜਿਵੇਂ ਤਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੁਰਮਟ ਵਿੱਚ ਚੰਨ ਨਿਕਲ ਆਇਆ ਏ ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਮੇਰੇ ਪੈਗੰਬਰ ਦੇ ਇਰਦਾ ਗਿਰਦ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੌਣ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਯਾਰ ਸਹਾਬਾ ਬਾਜ ਮੂਮਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਬਾਜ ਮੂਮਨ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਜਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਨੇ ਉਹ ਸਜਦੇ ਨਾਲ ਆਕਾ ਦੇ ਜਿਵੇਂ ਚੰਨ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਨੇ ਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਔਰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਆਕਾ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਅਜ਼ੀਮ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦਿਨੇ ਰਾਤੀ ਔਰ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ ਦੀਦਾਰ ਆਕਾ ਦਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੋਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੜਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਹ ਮਾਲਿਕ ਜੰਨਤਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਜਨਾਬੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਇੰਜ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਦਾਖਲ ਹੋਏ ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲੂ ਪਕੜਿਆ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਤਰਫ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਉੱਡਿਆ ਏ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਵੇਖਿਆ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਲੱਗਦਾ ਸਹਾਬੀਓ ਮੇਰਾ ਯਾਰ ਸਿੱਦੀਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਆਮ ਹਾਲਤ ਅੰਦਰ ਬੰਦਾ ਆਏ ਨਾ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਆਏ ਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਔਰ ਹੁੰਦਾ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਐਵੇਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਯਾਰ ਸਿੱਦੀਕ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਝਗੜਾ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਉਮਰ ਨੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਆਕਾ ਮੈਂ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਉਮਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੋ ਵਸਲਾਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਯਗਫਿਰੁਲਲਾਹੁ ਲਕਾ ਯਾ ਅਬਾ ਬਕਰ ਯਗਫਿਰੁਲਲਾਹੁ ਲਕਾ ਯਾ ਅਬਾ ਬਕਰ ਯਗਫਿਰੁਲਲਾਹੁ ਲਕਾ ਯਾ ਅਬਾ ਬਕਰ ਅੱਲਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਤੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਅੱਲਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਤਿੰਨ ਮਰਤਬਾ ਅਲਫਾਜ਼ ਬੋਲੇ ਇਧਰੋਂ ਜਨਾਬੇ ਉਮਰ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਯਾਰ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਆਦਮੀ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਇੰਜ ਜਨਾਬੇ ਉਮਰ ਸਿੱਦੀਕ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਅਬੂ ਬਕਰ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਅੰਦਰ ਗਏ ਨੇ ਇੰਜ ਜਨਾਬੇ ਉਮਰ ਵੀ ਮੈਂ ਮਸਜਿਦ ਨਬਵੀ ਅੰਦਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਦੀਆਂ ਨਗਾਹਾਂ ਪਈਆਂ ਵਾਜੂ ਨਬੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਯਾ ਤਮਾਰੂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਉਮਰ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਆਪ ਦਾ ਚਿਹਰਾ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਲਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆਇਆ ਸਿੱਦੀਕ ਨੇ ਨਬੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਬਦਲਦਾ ਵੇਖਿਆ ਇੰਜ ਮੇਰੇ ਨਬੀ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁੱਟਣਿਆਂ ਦੇ ਪਲ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਰਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਹਜ਼ੂਰ ਗਲਤੀਆਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਆਕਾ ਉਮਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜੀ ਉਮਰ ਦੀ ਗਲਤੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਬੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਹੋ ਗਈ ਏ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਕਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਸਹਾਬੀਓ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਵੋ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਬੂਵਤ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੁਸਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਮੇਰੀ ਤਕਜ਼ੀਬ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਬੂ ਬਕਰ ਉਹ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਮੈਂ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮੌਲਾਨਾ ਮੁਹੰਮਦ ਨਵਾਜ਼ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਹਾਫਿਜ਼ਾਹੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਰਜ਼ੰਦੇ ਅਰਜਮਦ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਇਹ ਵੀ ਚੀਮਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਔਰ ਮੁਹੱਕਕ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਫਰਮਾਨਾ ਮੇਰੇ ਪਾਕ ਪੈਗੰਬਰ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਅਬੂ ਬਕਰ ਨੂੰ ਦੁਆ ਦਿੱਤੀ ਅੱਗੇ ਚਲੀਏ ਜਾਮੇ ਤਿਰਮਜ਼ੀ ਅੰਦਰ ਰਵਾਇਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਸਭ ਕੌਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ
رضی اللہ تعالی عنہ حضرت علی اس حدیث دے راوی نے میرے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے رحم اللہ ابا بکر اللہ ابو بکر تے رحم کرے اللہ ابو بکر تے رحم کرے میرے پیغمبر نے دعاواں دتیاں وجہ کی ہے آقا فرماندے نے زواجانی ابناتا ہوں زواجانی ابناتا ہوں ابو بکر ہوئے جنہیں میں محمد نو اپنی بیٹی دا رشتہ دتا سی ابو بکر ہوئے جنہیں میں نو اپنی بیٹی دا رشتہ دتا وحمالانی الہ دار الہجران ابو بکر ہوئے جنہیں ہجرت دی راتی میں محمد نو اپنے کندھیاں تے اٹھایا صلی اللہ علیہ وسلم وآتا قبل عالم میں مال ہی آقا فرمان دینے ابو بکر ہوئے جنہیں بلال نو اپنے مال نال آزاد کروایا تے نال میرے آقا فرمان دینے وما نفانی مال فی الاسلام ما نفانی مال ابی بکر آقا فرمان دینے لوکوں کسے دے مال نے اسلام نو اتنا فیدہ نہیں دیتا جتنا فیدہ ابو بکر دے مال نے دیتا ہے جنہ فیدہ ابو بکر دے مال نے دیتا ہے پتہ ہی کون ابو بکر ہے میرے نبی نو غار اندر میرے صدیق نے اپنے گود اندر لٹایا ہے امام ابن حجر رحمہ اللہ لکھ دینے یفتح القرآن فر رحلے یفتح القرآن فر رحلے ایمیں لگ دا سی جی میں ریل اندر قرآن کھلے آپے آئے ماں آشا فرمان دیا نے اللہ دے پاک پہ پیغمبر دے اخلاق دے بارے پوچھیا گیا فرمایا کانا خلقہ القرآن سارا قرآن ہی میرے نبی دا اخلاق ہے آئیے لوگو ذرا غور فرمانا اختصار نہ گل کراں میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام صدیق نے اپنی گود اندر بٹھایا ہے اپنی گود اندر لٹایا تے صدیق نے سارے سوراخاں نوں بند کر دتا ہے تے بابا جی نے بڑی پیاری گل غار اندر سن بہت سوراخاں غار اندر سن بہت سوراخاں تے جو جو نظریاں چادر پاڑ صدیق پیارے وہ ساری بند کرائیاں ڈنگ کیتا سپ ابا بکر تے ہنجو ہو گئیاں جنگاری قطرے ڈگے مکھ نبی تے جاگ اٹھے یک بہاری میرے آقا نے ابو بکر نو دعا دیتی آئیے تھوڑا جا کے چلیے ایک بی بی انہیں اپنی انگلی نہ چھوٹا جا بچہ لایا تے میرے نبی کو لا گئی اللہ دے نبی جی اینو اپنی خدمت واسطے رکھ لو ماں جی ام سلیم رضی اللہ تعالی انہا تے انس پیارے نو انگلی نہ لایا اللہ دے نبی اینو اپنی خدمت واسطے رکھ لو میرے نبی نے قبول فرمایا تے نال ماں آندی سونیا میرے انس لئی رب کو برکت دی دعائی کر دیو اللہ دے نبی جی میرے انس لئی رب کولو برکت دی دعائی کر دیو اللہ کو اکبر کبیرہ میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام واسطے اللہ دے نبی جی میرے انس لئی رب کولو برکت دیاں دعاواں کر دیو تے میرے پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے نبوت والے حداں نوں اٹھایا تے میرے آقا فرماندے نے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام فرماندے نے اللہم اقصر ما دوسری روایت الفاظ نے اللہم اکثر مالہ و ادخلہ الجنہ جب میں پلے کھانا لگے تھے میرا خیال مولانا صفوان فروقی صاحب ہیں ایتے تشریف لیاو ماشاءاللہ اے بڑے اچھے ساڑھے ساتھی نے لاہور تو نال مولانا رفاقت دیڑ صاحب آجو حضرت آجو
मेरे पाक पैगंबर अली सलातो व सलाम फरमांदे ने अल्लाह अनस दे माल अंदर इजाफा कर दे। आइए लोगो इख्तसार ना गल करा। मेरे पाक पैगंबर ने अनस दे माल वास्ते बरकत दी दुआ की दी है। हजरत अनस फरमांदे ने जिथे लोगों का मदीने अंदर साल अंदर बाग एक मरतबा फल देंदा सी रबी दी दुआ दी बरकत दी वजह तो अनस दा माल अनस दा बाग जेड़ा साल अंदर दो मरतबा फल देंदा। मेरे आका ने लंबी उम्र की दुआ की थी। हजरत अनस ने 103 साल की उम्र पाई है। मेरे आका ने औलाद की बरकत की दुआ की थी। मेरे अनस फरमांदे ने मेरी जिंदगी अंदर मेरे बेटे बेटियां पोते पोतियां दोते दोतियां की तादाद 100 नालों से ज्यादा है। ते जेड़ी मेरे नबी ने एक और दुआ की थी है अल्लाहुम्मा अक्सर मालहू व अदनस नु जन्नत दा दाखिल दे देना। ते मेरा ईमान है मेरे प्यारे अनस ने जिन्ना लोगों के बारे रब ने कहा रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ुअन क्यों वसल्ले अलैहिम इन्ना सलाता का सकानुल्लाहुम वल्लाहु समीउन अलीम। मेरे नबी का एक सहाबी ना जलाबीबे का नाम है काले जे रंग दा है। मेरे नबी का माड़ा जहा सहाबी है गरीब जहा सहाबी है इंज मेरे नबी की खिदमत अंदर आया। मेरे आका फरमांदे ने जलाबीब शादी करनी आ सोनिया किदा दिल नहीं करता शादी करवाण नू। ते मेरे आका अली सलाम नू अर्जा करदा हुजूर माड़ा वा गरीबां रहन नू मकान कोई नहीं खान नू मेरे पल्ले शह कोई नहीं। अल्लाह दे नबी काला जिहा रंग है कौन मैनू अपनी बेटी दा रिश्ता देवेगा। आका माड़िया नू ते कोई पल्ले नहीं बनदा आका माड़िया दे ते कोई राय नहीं लंघदा। अल्लाह दे नबी जी कौन है जिहड़ा मैनू अपनी बेटी दा रिश्ता देवेगा। मेरे पा पैगंबर सलाम फरमांदे ने ए जलाबीब जा फलान सारी दे दरवाजे दे ओनू जाके कह मैनू आमिना दे लाल ने भेजे मेरे ना अपनी बेटी दा निकाह कर दे। हजरत जलाबीब अंसारी दे दरवाजे ते जांदे ने अंसारी दे दरवाजे ते गए जाके दे दरवाजे ते दस्तक दीदी अंसारी सहाबी बार आया आंदे ने ओए जलाबीब किधर आए। जलाबीब बंदे ने मिनो आमिना दे लाल ने भेजे मेरे ना अपनी बेटी दा निकाह कर दे। ते आज कोई बड़ा करनी वाला होए बड़ा कोई पीर होए पहुंची सरकार होए भेजे अपने मरीद नू दूजे मरीद दे दरवाजे ते ओनू जाके कह मिनो अपनी बेटी दा रिश्ता दे जुतियां तो बगैर वापस आ सकदा। उन्हें आखना लानत तेरे दे तेरे भेजन वाले ते इनू ए नहीं पता तियां दा रिश्ता मंगी दा किवें वे। पर वाह महबूब मैं तुहाडियां तरबियतां तो कुर्बान जावां ए ओ मेरे नबी दे यार ने जिन्हां दियां तरबियतां आमिना दे लाल मुहम्मद ने कीतियां वे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे पाक पैगंबर अली सलातो व सलाम अल्लाह दे पाक पैगंबर ने तरबियतां कीतियां अंसारी साहब जलाबीब ठहर मैं अपनी बीवी ना मशवरा कर ला ते जाके पता अपनी बीबी नू की आंदा। बाबा जी ने बड़े प्यारे अल्फाज अंदर इहदा तर्जमा कीता फरमांदे ने सोने ने भेजे बंदा एक काले जे रंग दा सोने ने भेजे बंदा एक काले जे रंग दा साडे कोलो रिश्ता ए बेटी दा मंगदा पर है ही गरीब कर आटा नहीं डंगदा कुछ दही सला मेरे ताई। जाके अपनी बीवी नूं आंदा नहीं अल्लाह दे नबी ने एक बंदा भेजे माड़ा जिहा बंदा है। ते औरत की आंदी है आख दी औरत सानू उजर नकाई जे भेज
भेजया इसनू रसूल इलाही, पर रंग दाए काला इतनी बात सुनाई होर ते उजर सानू नहीं। ए आपे च गल्लां पे करदे ने ते जेड़ी बेटी दा रिश्ते वास्ते आया है ए बेटी अपनी मां दियां गल्लां सुनदी है पई ते आंदी है मां मेरे नबी ने मेरा रिश्ता तय कीता है ते जिदा कोई रिश्ता करदा है उन्नू अपनी धी समझदा है। ए अम्मा मैं ते बड़ी नसीबां वाली हां, मेरे नबी ने मैनू अपनी धी समझया है, अल्लाह दे नबी ने अपनी बेटी समझ के मेरा रिश्ता कीता है। आंदी है अम्मा इस रिश्ते तो इनकार ना करी, आउन वाले नू ना वेख भेजन वाले नू वेख, आउन वाला काले रंग दा है भेजन वाला पूरी कायनात तो सोना है। पता ही किन्ना सोहना मैदाने ओहद सजया, मैदाने ओहद दे अंदर फवावां फैलिया, मेरे पाक पैगंबर अली सलाम नू शहीद कर दिता गया। मदीने ओ एक बीबी दौड़दी होई गई इंज काफले वाले ना मिली है, काफले वाले नू आंदी है वे दसो मेरे नबी दा हाल की है। काफले वाले आंदे ने बीबी आमीना दे लाल ते ठीक ने, तेरा पाई भी शहीद हो गया, तेरा खामद भी शहीद हो गया, तेरा बेटा भी शहीद हो गया। आंदी है अलहम्दुलिल्लाह, इंज मेरे पैगंबर दे चेहरे नबूवत ए दियां नजरां पईयां ते मेरे आका अली सलाम दा चेहरा वेख के आंदी है, आंदी है कुल्लो मुसीबतें बादा का जालालुन। सोनिया तुहाडा चेहरा वेख्या ते रब ने सारे गम ही मिटा दिते ने, आका तुहाडा चेहरा वेख्या है रब ने सारे गम ही मिटा दिते ने। पता ही किन्ना सोहना चेहरा मेरे नबी दा, सोहना चेहरा कद काठ बंतर बनावट। ओ कह दियो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह कहना। रब जन्न जग बूटा लांदे ने, क्यों भाई रब जन्न च बूटा लांदे ने, जेड़ा एक बारी सुभान अल्लाह कहिंदा गोरे सद लाहू नखला तुन फिल जन्ना, अल्लाह ओदे नां दा जन्न जग बूटा ला देंदे ने। ते मेरा ईमान है जे साडे मुंह एक बारी सुभान अल्लाह निकल गया, मेरे नबी ने फरमा दिता है जे सुभान अल्लाह कह दिता ते जन्न च बूटा लगना ही लगना है, जे रब ने ला दिता फिर मिलना मिलना है। रब दे वादियां नू पूरा करन वाले ने ना, जे रब ने जन्नत च बूटा ला दिता फिर मिलना ही मिलना है। ते दूसरी गल समझन वाली है, एनी गल सुन के मेरे पैगंबर दे उते नाज़िल होने वाला कुरान सुन के एनी वार सुबहान अल्लाह कह, एनी वार सुबहान अल्लाह कह, जदू रब दे फरिश्ते रब दे दरबार अंदर जान अल्लाह पुछण ओ मेरे बंदे, ओ मेरे बंदे की आंदे सन, ये कहन अल्लाह ये ते हर गल ना गई सन, अल्लाह तुसी पाको, अल्लाह तुसी पाको, सुभान अल्लाह। ते जे मेरे रब ने अगो इनी गल कह दीती मेरे ओ फरिश्ते ओ गवाह हो जाओ, मेरे बंदे गल गल ना कहिंदे सन अल्लाह तुसी पाको, अल्लाह तुसी पाको, ते गवाह हो जाओ इन्हां सारिआं नूं मैं अपनी रहमत दे नाल गुनाहां तों पाक कर दिता है। जे रब ने इनी गल कह दीती ते बेड़ा पार हो जाना है। सोहना चेहरा कद काठ बंतर बनावट, खत्म हो गई मेरे सोने ते सजावट, किसे मां ऐसा बच्चा नी जनया जिमें अपनी मर्जी मुताबिक हो बनया, मुसम्मिल मुदसर ते फुल्लां दा सेहरा वा सुबहान अल्लाह मुहम्मद दा चेहरा, जमीला हुसीना दा मुंह मोड़ दिता मुहम्मद बना के रब कलम तोड़ दिता। मेरे पाक पैगंबर अली सलाम दे बारे आंदी है, अम्मा मेरे नबी नू वेख अल्लाह ने पूरी कायनात तो सोना बनाया, आंख दी लड़की अम्मा बस कर जान दे
काले ते गोरे नहीं हूं, कम ईमान दे असी हुक्म दे बजे खादिम नबी सुल्तान दे, गुंजाइश इनकार एथे नहीं है। मेरे पाक पैगंबर अली सलाम दे हुक्म दे मुताबिक जलाबीब दा इस लड़की ना निकाह हो जांदा है, ते मेरे पाक पैगंबर अली सलाम नु जदू इस बेटी दियां गल्लां दा पता लगा, मेरे पैगंबर ने इस बेटी दियां गल्लां सुनिया के आमीना दे लाल दे हुक्म नु मनया, अज मेरे नबी ने अपने नबूवत वाले हाथां नु उठाया है। आका फरमांदे ने अल्लाहुम्मा सुब्बा अलैहि हल खैरा सबन वला तजल ऐशा कदम कदम, हे अरशां वाले रब्बा मैं रब दा नबी, अल्लाह मैं तेरा नबी तेरे को दुआ कर रहा, अल्लाह इस बेटी ने मेरा हुक्म मनया है, अल्लाह सोनिया इस बेटी दी जिंदगी अंदर आराम सकून पैदा कर दे, अल्लाह इस बेटी दी जिंदगी अंदर बरकत एवें नाजल कर दे जिमें आसमाना तो बारिशां नाजल हुंदियां ने, अल्लाह इहदी जिंदगी अंदर कदी भी तंगी ना आए। ते अंसार दियां बीबियां आंदियां ने जदों मदीने विचों खान नूं कुझ ना लभदा, उस वेले इस अंसारिया इस बीबी दे घरों उदों वी जवां दा आटा लभ जांदा। ओ लोगो अगे गल सुनन वाली है, इत्थे ही बस नहीं, मेरे पैगंबर दे सहाबी दा निकाह हो जांदा है, मेरे नबी ने जंग दा ऐलान कर दिता है। मुसनद अहमद अंदर आंदा मेरे नबी ने जंग दा ऐलान कर दिता है, ए जलाबीब मैदाने जंग अंदर निकल जांदा है, मैदाने जंग अंदर लड़दियां लड़दियां ए मेरे नबी दा सहाबी सदा काफरां नूं कतल कीता है, खुद भी शहीद हो जांदे ने। मैदाने जंग ठंडा होया, मेरे आका अली सलाम फरमांदे ने सहाबियो जलाबीब नजर नहीं आ रहा, अल्लाह दे नबी शहीद हो गए होंगे, जलाबीब दी लाश नू तलाश कीता गया है, इंज सत्तां काफरां दे दरमियान जलाबीब दी लाश पई है, मेरे पैगंबर दे सहाबा ने जलाबीब दी लाश नू उठाया, मेरे पैगंबर ने इंज अपने हाथां दे जलाबीब नू उठाया, मेरे नबी ने इंज अपने सीने नाल जलाबीब नू ला लिया है। ओ वाह जलाबीब तेरे मुकाम तो कुर्बान जावा, मेरे नबी ने अज जलाबीब नू अपने सीने ना लाया, ते मेरे आका फरमांदे ने अंता मिन्नी वा आना मेनू, ओए जलाबीब प्यारिया तू मेरे विचों ते मैं तेरे विचों। एक पासे मेरे आका हसन हुसैन नू आंदे ने, हसन मेरे विचों हुसैन मेरे विचों मैं इन्हां विचों, ते मेरे आका फरमांदे ने जलाबीब तू मेरे विचों ते मैं तेरे विचों। लोगो इत्थे ही बस नहीं, इंज मेरे नबी ने जलाबीब नू कबर अंदर उतारिया, कबर खोदी गई, मेरे नबी जलाबीब नू कबर अंदर उतार रहे ने अपने हाथां नाल, मेरे नबी ने जलाबीब नू कबर अंदर लटाया, सहाबा दियां चीखां निकल जांदियां ने, ओए जलाबीब अजमतां पा गए हैं, मुकाम पा गए हैं, माड़ा जिहा सहाबी सैं, काले जे रंग दा सैं, अजमतां तेनू मिल गईयां, मुकाम तेनू मिल गया के तेनू आमीना दे लाल ने अपने हाथी कबर अंदर दफन कर दिता है। और लोगो जिन्हों आमीना दे लाल कबर अंदर उतारन ओदी अजमत दे क्या कहने, रब ने ओदी कबर नू जन्नत दा बाग बना दिता होएगा। आना मैं तेनू थोड़ा जा अगे लेके जावा, मेरे नबी दी चाची जान सैयदा मां जी फातिमा बिनते असद रजी अल्लाह तआला अन्हा, हजरत अली दी वालदा ने, ते मेरे आका अली सलाम नूं पता लगा मां फातिमा बिनते असद फौत हो गईयां, ते मेरे नबी दियां अक्खां चों सारो के तार आंसू ने, आका फरमांदे ने कुन ते उम्मी बादा उम्मी, ए अम्मी तू मेरी मां तो बाद मेरी मां से, अम्मी तू मेरी मां तो बाद मेरी मां से, ओ मेरे नबी ते अपनी चाची नू मां कह रहे ने, जालमा तू हकीकी मां नू मां नहीं मनदा, हकीकी मां नू मां नहीं मनन वास्ते तैयार, मां दी कदर नहीं करदा, बाप दी कदर नहीं करदा, इन्हां मापिआं दी कदर पुछनी आ ते उन्हां को पुछ लै जिन्हां दे बाप मापे दुनिया तो चले गए, जिन्हां दे बाप दुनिया तो चले गए, जिन्हां दियां मां
अल्लाह को दुआ है अल्लाह मैनू तुहानू सही माने अंदर पैगंबर अली सलाम ना मुहब्बत की तौफीक अता फरमाए। वा आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। चीमा साहब।